हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है, जो उनकी हम टॉप वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एंड सारी ही वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सारी ही रेपुटेटेड पोस्ट होने वाली है, विथ डेट होने वाली है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एस एस सी की तरफ से यानी कि आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। इस बार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट यानी कि CGL वाले, इसके लिए CGL का एग्ज़ाम जो भी क्लियर करना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। पोस्ट इसके अंदर कौन कौन सी रखी गई है उसके बारे में अगर हम देखें तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, टैक्स असिस्टेंट की है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगेन, एंड इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिविजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि ऐसी बहुत सारी पोस्ट कम से कम आपकी है 20 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। एंड सारी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, सैलरी का क्राइटेरिया भी सब में बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैलरी के क्राइटेरिया की अगर हम वन बाय वन देखें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, तो मैं पेपर को स्क्रॉल कर रही हूँ एंड देन आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। यानी कि सैलरी का अगर मेन पॉइंट देखें तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें लेवल 8 पर सैलरी रहने वाली है, कुछ पोस्ट के लिए आपकी लेवल 7 पर सैलरी होगी। एज लिमिट आप यहाँ पर मैंशन है, देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि पोस्ट कैसी है, नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल होने वाली है। एंड इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है उन सब के बारे में डिटेल में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 7 की सैलरी कितनी रहने वाली है। एंड उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपकी मेंशन की गई है, ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है सारी, और मेजरली देखा जाए तो 18 से 30 साल के बीच वाले ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 पर भी सैलरी है तो वो भी ग्रुप बी के अंदर आ जाती है, एंड जो लेवल 5 पर सैलरी है वो ग्रुप सी के अंदर आ जाती है, और जो लेवल 4 की सैलरी है उसमें भी ग्रुप सी के लोग आ जाते हैं। एंड देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो 11 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है एंड 10 जुलाई इसके लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम जो है सेप्टेम्बर अक्टूबर के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। क्वालिफिकेशन में मेजरली आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए। अगर आपने 3 ईयर्स की डिग्री कम्प्लीट कर रखी है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी चार्ज की जाएगी, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस, और अगर आप SC ST फीमेल हैं, फीमेल चाहे जनरल की हो चाहे ओबीसी की हो, PWD हैं, ESM कैंडिडेट हैं, तो आपकी कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। पेमेंट मतलब आपका जो क्रेडिट नेट बैंकिंग के थ्रू होने वाला है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 2 टायर में होने वाला है। फर्स्ट टायर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है एंड सेकेंड टायर में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है, तो आपको इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। हर पार्ट से आपके 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, कि पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहने वाला है। लेकिन अगर आप 7.1 एंड 7.2 7.3 पैरा के अंदर आते हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला जाएगा। और Tier 2 में क्या होने वाला है, Tier 2 में क्या होने वाला है आपका, बेसिकली इसमें 2 पेपर कराया जाएगा। 1 सेकेंड में आपको दिखाती हूँ, 2-3 पेपर कराए जाएंगे, और जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 2 सेशन कराया जाएगा। पर सेशन आपका इसमें जो फर्स्ट सेशन है उसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट मिल जाते हैं, मतलब इसके लिए आपको इसमें, तो आप देख सकते हैं। और सेक्शन 1 में जो है आपका इसमें 2 मॉडल रहने वाले हैं, सेक्शन 2 में भी आपके 2 मॉडल रहने वाले हैं। नंबर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर्स का पड़ रहा है, तो आप मतलब यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसकी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी अगर आपको चाहिए तो। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, जॉब लोकेशन इंडिया में आपके एरिया में ही रहती है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो SSC.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हो जाती है हमारी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, इंडियन रेलवेज की तरफ से। इसमें भी पोस्ट बहुत सारी है, लाइक NTPC की है जिसके अंदर पोस्ट आ जाती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, टाइप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर टाइम कीपर की, ट्रेन क्लर्क की, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर, ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जो इसके अंदर आ जाती है। स्टेशन मास्टर अराउंड 35,000 के आसपास आपकी इसमें पोस्ट हो जाती है, और ये वैकेंसी जो है ऐसा है कि जून में ही निकलने वाली है, लास्ट डेट इसकी जुलाई में रखी जाएगी। सैलरी कितनी रहती है तो इसमें भी पोस्ट पर डिपेंड करता है, कुछ पोस्ट के लिए 19,900 है, कुछ के लिए 21,700, किसी के लिए 25,500, किसी के लिए 29,900, एंड लास्ट इसमें 35,400 रुपये रहने वाली है, यानी कि 19,000 से लेकर 35,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहती है। क्वालिफिकेशन क्या है,
कुछ पोस्ट है जो ट्वेल्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो अगर आप ट्वेल्थ पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो और जनरल कैंडिडेट के हैं तो 18 से 30 साल, एंड बाकी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। और अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 33 साल की मिलता है जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर मेल है तो 500 रुपये, एंड अगर आप फीमेल हैं एससी एसटी से हैं पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाती है। सिलेक्शन में क्या है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जाएगी, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है, एंड अगेन माई मिस्टेक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.indianrailways.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी सेम रेलवे की तरफ से होने वाली है, बट इसमें पोस्ट अलग रहने वाली है। इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, और डिपोर्ट मटेरियल यानी कि सुपरिटेंडेंट डीएमएस की पोस्ट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर जो वैकेंसी है, इसके अंदर जो वैकेंसी रहने वाली है 13,000 वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी आपकी 35,400 रुपये रखी जाएगी। क्वालिफिकेशन में क्या, आपका इसमें से थोड़ी हाई क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग कर रखी हो, डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, PGDCA का कर रखा हो, BSc कर रखी हो, BCA कर रखा हो, मेनली इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रखी जाती है। एप्लीकेशन फीस सेम है जैसा पिछले में था, बट इसमें जो फीस है वो आपकी रिफंडेबल फ़ीस होती है। इसके अंदर आपको अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 400 रुपये रिफंड मिलता है, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से या फिर फीमेल है तो आपके 250 के 250 कंप्लीट आपको रिटर्न दे दिए जाते हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होता है, तो सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कराया जाता है, एंड अप्लाई आप इसमें ऑनलाइन कर पाते हैं। जॉब लोकेशन आपके एरिया में रहती है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.indianrailways.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में ही नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है, पर इसमें पैरा मेडिकल कैटेगरीज के लिए है, तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें मैं पहले ही देख लेते हैं। एजुकेशन में क्या है, आप इसमें 12th बेस किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, GNM कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट हो जाती है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में ही पोस्ट यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है। 2000 के आसपास पोस्ट इसके अंदर रखी गई है, एंड इसमें है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से है। पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 1,00,000 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी, पर ये जो वैकेंसी है ना पिछले 3 महीने से चल रही है, 3 महीने पुराने से ही, मतलब काफ़ी टाइम से वैकेंसी चल रही है, बट अब तक इसकी ऑफिशियल डेट किसी को भी नहीं पता, ना ही आई है। हर बार ऐसा आता है कि मतलब आने वाली, बट अभी तक इसका क्लियर नहीं किया गया है। तो आप सबको मोस्टली इसके बारे में पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा है कि शायद जून या जुलाई में आ सकती है। सैलरी इसके अंदर आप देख सकते हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अप्लाई अगर आप बाय चांस करते हैं तो आप इसके अंदर 21,700 से लेकर 17,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रखी जाती है। एज लिमिट इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, एंड इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाती रिजर्व कैटेगरी वालों से, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहता है इसके अंदर, www.indianpost.government.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो यही थी हमारी आज की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़। अगर आपको पसंद आई है तो अच्छी बात है, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, ताकि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है या फिर सोच रहा हो रेलवे एसएससी वगैरह में जॉब के लिए ट्राई करने का, तो उसके लिए वैकेंसी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो आप ये ज़रूर से उनको सेंड कर देना। एंड कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।